सभा भूगोल की ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। अब देखिए, हमने भूगोल के अंतर्गत दो अध्याय शुरू कर लिए, पहला अध्याय और दूसरा। आज हम जो तीसरा अध्याय शुरू करेंगे वो है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण तीसरा अध्याय है भूगोल की किताब का। तीसरा अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो ये तीसरा जो लेसन है वो है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन जनसंख्या को समझने से पहले ये जो हमारे बिंदु है ये ही बिंदु है जो इस बात को पूर्ण करने में अपना अहम योगदान देंगे, वितरण घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मानव है, स्वयं मानव है, वो भी क्या है, एक संसाधन है। मानव भी क्या है, एक संसाधन है। पहली बात आपकी हो गया, जनसंख्या है वो भी भूगोल में एक संसाधन का काम करती है। इस मीन्स यह हो गया है कि मानव अपनी दैनिक क्रियाएं जैसे कृषि, फसल, खनिज और ट्रांसपोर्ट, व्यापार, वाणिज्य, समूह में रहना और वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, ये सब है। ये किस पर डिपेंड करता है, मानव पर डिपेंड करता है। और उसकी कैसे ग्रोथ होती है, सभी क्षेत्र में एक समान जनसंख्या का वितरण फैलाव नहीं है, घनत्व भी सभी जगह एक समान नहीं है, वृद्धि दर है वो भी एक समान नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये भौतिक जो संसाधन है उन संसाधनों पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं मानव है वो भी क्या है, भूगोल में एक संसाधन के रूप में मानव है। तो मानव सिद्ध कीजिए, प्रश्न पीछे में बन सकता है, सिद्ध कीजिए मानव संसाधन है, मानव संसाधन है। तो इसके जवाब में अपन ने यह उत्तर दे सकते हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में दर्शित होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधा किस पर प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर ही प्रभाव पड़ता है। और मानव प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ अवयवों का वो इस्तेमाल करता है। इसीलिए मानव भी भूगोल में एक क्या माना गया है, संसाधन माना गया है। अब संसाधन माना गया है, इसके लिए विभिन्न कारक हो सकते हैं, जैसे अपन जलवायु का अध्ययन करेंगे, अपन कृषि के अध्ययन करेंगे, फसलों का अध्ययन करेंगे और जितने भी हमारे पास स्रोत हैं उन स्रोतों के कारण क्या है, ये जनसंख्या है वो भी संसाधन के अंदर सम्मिलित कर ली गई है। अब इसके पश्चात जनसंख्या का वितरण आता है। क्या आता है, जनसंख्या का वितरण। और जनसंख्या के वितरण में हम कह सकते हैं कि सभी जगह है जनसंख्या का फैलाव है वो एक समान नहीं है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा है, वहां के जो जलवायु कारक है वो जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आदि सभी इस प्रकार के जो विषय हैं वो इस वितरण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। इसके पश्चात बात आती है घनत्व, क्योंकि वितरण है वो डायरेक्ट रूप से किसको प्रभावित करता है, घनत्व को प्रभावित करता है। और अत्यधिक घनत्व, न्यूनतम घनत्व है, अधिक घनत्व होने का क्या कारण है, पक्षमित्रक दीजिए, इन सब बातों का अध्ययन है वो विस्तार से अध्याय में करेंगे। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणामों की व्याख्या भी हमने अध्याय वाले करते चले जाएंगे। अब हमें वितरण के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो बिंदु आता है वितरण, कौन सा बिंदु आता है, वितरण। तो देखिएगा वितरण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का असमान वितरण,
अब देखिए जनसंख्या का असमान वितरण, इसके दो सूत्र लगाएंगे हम पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में। क्या देखेंगे? विश्व के संदर्भ में जनसंख्या का असमान वितरण पद्धति मॉडल, यानी विश्व की जो जनसंख्या है वो सभी स्थान पर सभी देशों में सभी महाद्वीपों में समान नहीं है, उनका फैलाव कहीं ज्यादा है तो कहीं कम मिलता है। तो इसके बारे में हम जो बिंदु है, ये जो बिंदु बिंदु का अध्ययन करेंगे, ये बिंदु हमें इस बात के लिए इंगित करते हैं कि वास्तव में जो पूरा विश्व है वो जनसंख्या में क्या है, वितरण की दृष्टि से समान नहीं है। अब सबसे पहला है पृथ्वी की, पृथ्वी की दो तिहाई जनसंख्या, यानी पृथ्वी की दो तिहाई जनसंख्या है वो क्या है, 14%। कितना प्रतिशत? 14% स्थायी रूप से रहती है। यानी कहने का तात्पर्य यह हो गया कि कुल जनसंख्या है इसका दो तिहाई जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 14%। दूसरा बिंदु आता है नंबर दो में है कि 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या रहती है। पृथ्वी के 90% भूभाग पर मात्र कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। इस थर्ड बिंदु लगाएंगे हमने असमान वितरण में 85% जनसंख्या है वो, यानी कुल जनसंख्या का 85% है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है, रहता है। कितना प्रतिशत? 85%। और 15% है जनसंख्या का, 15% है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। ये भी असमान वितरण के क्या हो गए? कारक हो गए कि 85% विश्व की 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में है, 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। चौथा जो बिंदु है वो देखिएगा, चौथा बिंदु है एशिया जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 60% जनसंख्या पाई जाती है। पांचवा जो बिंदु लिखेंगे हम वो लिख सकते हैं 75% भाग महाद्वीपों के किनारे बसा हुआ है। 75% जनसंख्या का भाग है वो कहाँ बसा हुआ है? महाद्वीपों के किनारे। तो ये जो पांचों बिंदु है ये क्या कहते हैं, इस ओर इशारा करते हैं, तथ्यात्मक रिपोर्ट हो गई। और ये जो रिपोर्ट दी गई है वो जो आंकड़े हैं वो 2013 के जो प्रकाशित आंकड़े हैं, 2013 के जो प्रकाशित आंकड़े हैं उनके आधार पर ये बताया गया है। और सब देखिएगा, यानी परीक्षा में प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि विश्व में जनसंख्या का असमान प्रतिरूप मिलता है, सभी जगह जनसंख्या समान नहीं है। तो इसमें हमें 5 जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत, तथ्यात्मक बिंदु जो प्रस्तुत करने होंगे उसमें लिखना पड़ेगा पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या है वो का 14% है वो स्थायी रूप से निवास कर रहा है। दूसरी बात आगे 90% भूभाग पर मात्र 10% लोग निवास करते हैं, यानी भूभाग तो 90% होगा
और 10% निवासी वाले होंगे। अगली बात आती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या समूह है निवास करता है और दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 15% जनसंख्या पाई जाती है। महाद्वीपों के संदर्भ में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में विश्व की है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 7% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात आती है कि 75% जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारे निवास करती है। तो ये जो सभी बिंदु हैं, ये सभी तथ्य हैं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो प्रतिरूप है वो क्या है, आसमान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आसमान पाया जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, अब आसमान वितरण है वो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2013 के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2013 के अनुसार वितरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आसमान जो वितरण है वो बता रखा है, आंकड़े है 2013। ये देखना पड़ेगा कि जो आंकड़े हैं इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 2013। वर्तमान के जो आंकड़े हैं अपन लेटेस्ट आंकड़े हैं वो प्रतियोगिता किताबों या अखबार के माध्यम से भी बता सकते हैं, उन आंकड़ों में भिन्नता पाई जाएगी क्योंकि हमारी जो सिलेबस की बुक में जो आंकड़े प्रकाशित कर रखे हैं वो कब के हैं, 2013 के हैं। तो इस प्रसंग में इन आंकड़ों में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2013 के अनुसार अपन बिंदुवार देखेंगे तो पहला जो बिंदु आता है वो है एशिया महाद्वीप है, एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 7.27%, विश्व की कुल जनसंख्या का 7.27% है वो मात्र कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। ये बताती है रिपोर्ट 2013 से प्राप्त करना। अब जो दूसरा नंबर आता है वो आता है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप आता है और अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, ये हो गया 7.27 एशिया का और अफ्रीका का है 15.41%। तीसरा आता है यूरोप महाद्वीप का, इसका आता है यूरोप महाद्वीप का और यूरोप महाद्वीप विश्व की कुल जनसंख्या का कितना 10.37%, 10.37% की जो आबादी है वो कहाँ निवास करती है, यूरोप महाद्वीप। चौथा जो इसका आता है वो किसका आता है, इंडोनेशिया, अपन लिखेंगे चलो महाद्वीप के संदर्भ में देखेंगे तो तीन ही महाद्वीप के नाम आ जाएंगे, ज्यादा आंकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे याद नहीं रहो, अगर वो नहीं सकोगे आप लंबे समय तक तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि एशिया महाद्वीप है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 7.27% रखता है, अफ्रीका महाद्वीप में 15.41% और यूरोप महाद्वीप में
10.37% जनसंख्या निवास करती है, करती है। पहली बात आपकी हो गया कि जनसंख्या के संदर्भ में पेज नंबर पर क्या होगा तीसरा मार्गी, दूसरा नंबर अफ्रीका और तीसरा नंबर क्या होगा यूरोप हो गया। जो ये जो तीन जो मार्गी दिए थे तीन मार्गी को क्या कहें वो हमें याद करने होंगे। अब हम ये स्थिति किसके संदर्भ में थी महाद्वीप के संदर्भ में, तीन महाद्वीप के नाम याद रखने पड़ेंगे और ये आंकड़े में याद रखेंगे। इसके पश्चात हमें जो 2013 की रिपोर्ट पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2013 की रिपोर्ट पढ़ते हैं और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो एक नंबर पर क्या है चीन है, चाइना चीन। और चीन है वो कुल जनसंख्या चीन की जनसंख्या हो गई 1357 मिलियन मिलियन, ये सब जो आंकड़े हैं वो किसमें आएंगे मिलियन में। नंबर दो, नंबर दो किसका आता है भारत देश का आता है और ये भी आंकड़ा किसमें है मिलियन में है। भारत की जो जनसंख्या है वो 1276 मिलियन है 2013 के आंकड़ों के अनुसार। और तीसरा नंबर है वो किसका है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये है वो अपने यहाँ जो जनसंख्या का जवाब रखते हैं वो 1367 मिलियन, ये मिलियन में आ गया 1316 मिलियन। इसके पश्चात हम देखते हैं चार नंबर पर इंडोनेशिया, चार नंबर पर क्या गया इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो 248 मिलियन है, 248 मिलियन। पांचवा जो क्रम है वह ब्राजील का, ब्राजील का, और ब्राजील की जो जनसंख्या है वो 196 मिलियन है। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट 2013 के अनुसार है, न कि वर्तमान जनसंख्या के संदर्भ में। ये बातें विशेष ध्यान में भी है, इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि आप इस जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन करोगे तो अनेक प्रतियोगिता परीक्षाएं, अनेक जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें जो आंकड़े वर्तमान के आंकड़े प्रकाशित होते हैं उन आंकड़ों से ये आंकड़े क्या मिलेंगे भिन्न बनेंगे, तो उनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं है। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाता है तो हमें ये जो आंकड़े हैं वो उनका संदर्भ लेना पड़ेगा कि जो प्रकाशित आंकड़े क्या हो जाएंगे नोट वर्तमान में दिए गए आंकड़े से प्रकाशित रिपोर्ट 2013 के अनुसार। तो हमने देख लिया महाद्वीप में एक नंबर पर कौन है एशिया महाद्वीप है, नंबर दो अमेरिका और यूरोप, तीन महाद्वीप के याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप है उसकी जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 7.27% है, अमेरिका का 15.41% है, यूरोप महाद्वीप है उसकी जनसंख्या 10.37% है। अब हम बात करते हैं किसके संदर्भ में देशों के संदर्भ में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो चीन की है 1357 मिलियन में, और ये आंकड़े हैं 2013 के। भारत की होगी 1276 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका की 316 मिलियन और इंडोनेशिया की जो चौथे स्थान पर है 248 मिलियन। और इसके पश्चात पांचवा है जो ब्राजील है जो जनसंख्या का 196 मिलियन अपने पास रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि पांच देशों के नाम हमें याद करने पड़ेंगे और तीन महाद्वीपों के नाम याद करने पड़ेंगे। ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि विश्व में जनसंख्या है वो विभिन्न क्षेत्रों में उसका जो वितरण है वो क्या है असमान वितरण है। जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो ये जो आंकड़े हैं वो शो कर रहे हैं कि वास्तव में ही विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या मिलता है असमान मिलता है। इसके पश्चात हमें पढ़ेंगे असमान
वितरण, विश्व की जनसंख्या वितरण के भाग, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप, किन किन देशों की जनसंख्या अधिक है और किन देशों की जनसंख्या कम है। तो अगला जो बिंदु है वो देखिएगा, अगला जो बिंदु है वो है विश्व जनसंख्या वितरण के भाग, विश्व जनसंख्या वितरण के भाग। अब इसको हमें चार बिंदु के अंतर्गत करेंगे। पहला जो हमारा बिंदु आता है वो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या प्रदेश, और प्रदेश का मतलब अपन यहां लगाएंगे देश से, क्या लगाएंगे देश से लगाएंगे, और इसके अंतर्गत जो आते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं वो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, एशिया के विभिन्न जो भाग हैं उन भागों में जनसंख्या है वो सघन मिलती है, यानी जनसंख्या का जो दबाव है वो अधिक मिलेगा पहुंचे एशिया महाद्वीप में। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देशों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, भारत जापान, ये जो देश है ये क्या है अधिक जनसंख्या वाले हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, ये सघन जनसंख्या वाले क्या है क्षेत्र है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है। नंबर दूसरा जो बिंदु है, नंबर दूसरा है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, और इसके अंतर्गत एशिया के जो पर्वतीय भाग है, एशिया के पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग है वहां पर क्या मिलेगी सामान्य जनसंख्या मिलेगी। और अपन देशों के नाम लिख सकते हैं, तो इसमें आ जाएंगे कनाडा है, कनाडा है, चिली है, और कनाडा चिली, ये जो देश है ये क्या है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां जनसंख्या है वो क्या मिलेगी सामान्य जनसंख्या मिलेगी, सामान्य जनसंख्या मिलेगी। नंबर तीन, नंबर तीन में है, नंबर तीन है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं इन देशों की, जहां पर जलवायु की विषम परिस्थितियां मिलती हैं, और विषम परिस्थितियों में क्या है जो देश स्थित है वहां पर जनसंख्या विरल मिलेगी। और चौथा जो बिंदु आता है हमारा वो हो जाएगा अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, और इसमें आ जाएंगे शीत प्रदेश, अति शीत प्रदेश, जिसको बोलेंगे अपन बर्फीले प्रदेश, जो अत्यधिक घना जो मरुस्थल है, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, क्या जाएंगे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां जनसंख्या है वो बहुत कम है, एक तरह से ये माने हम कि
की जनसंख्या का विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो सबसे कम ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो बढ़ते हैं वो प्रश्न बढ़ सकता है विश्व की जनसंख्या के वितरण को वितरण के भागों को प्रदर्शित कीजिए। तो हमें लिखना पड़ेगा कि जब विश्व जनसंख्या वितरण को निम्न चार भागों में विभाजित किया गया है, पहले का नाम हो गया सघन जनसंख्या वाले प्रदेश या क्षेत्र, और सघन जनसंख्या वाले प्रदेश और क्षेत्र होंगे यहाँ पर जनसंख्या का जो क्या मिलेगा घनत्व है वो अधिक मिलेगा। इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप के जो भी देश है जहाँ पर अपनी बात करें किसी संसाधनों की बात करें खनिजों की बात करें या अच्छी परिस्थितियों की बात करें प्राकृतिक वातावरण की बात करें जैसे चीन है भारत है जापान है श्रीलंका है बांग्लादेश है और नेपाल है इन देशों में जनसंख्या है वो सघन मिलेगी। दूसरा जो बिंदु आता है वो हमारा है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र जिन प्रदेशों की या देशों की संख्या क्या है सामान्य है अधिक है और न कम है और ऐसे जो क्षेत्र हैं वो एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे। और अपन बात करेंगे देशों की तो कनाडा चिली और ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं इनकी जनसंख्या है वो सामान्य श्रेणी की जनसंख्या है। हम बात करेंगे तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ पर परिस्थितियाँ वो विषम है चाहे वो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो। हम बात करेंगे चौथे की अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र तो अति न्यून में वो प्रदेश आते हैं जहाँ पर अत्यधिक बर्फ पड़ती है और या आंधी या उस यानी कहने का तात्पर्य और उष्णकटिबंधीय वाले प्रदेश है वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है जो विश्व के ऐसे कम से कम निर्धारित किए गए क्षेत्र में आते हैं। अगला इस जनसंख्या क्रम में अपन घनत्व के बारे में देख करेंगे वो अगले क्रेडिट में करेंगे। धन्यवाद।